सो गाइज, हमारे जो सूजी के गुलाब जामुन है उसका सिरप बनाने के लिए सबसे पहले तो हम इसमें शुगर डाल लेंगे एंड फिर बाद में हम इसमें एक ग्लास भरकर वाटर डाल लेंगे एंड फिर इसमें हम इलायची डाल लेंगे एंड इसे उबालने के लिए रख देंगे। सो गैस पे रख दिया है हमने एंड हम अब इसे लो फ्लेम पे रख देंगे पकने के लिए करीब करीब 7 से 8 मिनट तक। सो गाइस, जो हमारा गुलाब जामुन का बेस है वो बनाने के लिए हमने रवा लिया है। यहाँ पर इसे सूजी भी बोला जाता है और रवा भी बोला जाता है। ये मिल्क पाउडर है और ये मिल्क है और ये देसी घी है। सो गाइस, जो हमारा जो रवा है मतलब सूजी है हम उसे पका लेंगे, थोड़ा गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। सो हमारा जो सूजी है वो गोल्डन ब्राउन हो चुका है। जो हमारी सूजी है उसे हमने गोल्डन ब्राउन करके निकाल लिया है। अब हम यहाँ पर जो हमारा मिल्क है उसे बॉईल कर लेंगे। सो गाइज, जो हमारा मिल्क है वो उबल चुका है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके सूजी ऐड कर लेंगे। सो गाइज, आप जैसे कि देख सकते हैं जो हमारा बेस है वो पूरा डो में बदल चुका है। और देखिए इसका ये जो पूरा डो है वो मतलब गुलाब जाम के शेप के लिए आ चुका है, पूरा डो बन चुका है आप देख सकते हैं। अब हम इसमें जो हमारा देसी घी है वो ऐड कर देंगे, तकरीबन 1 टेबलस्पून, 1 से 1/2 टेबलस्पून ऐड कर लेंगे एंड अब हम इससे अच्छे से मिला लेंगे। जो हमारी सूजी हमने एक बाउल में निकाल ली है, अब हमें इसे अच्छी तरह थोड़ा मिक्स कर लेना है एंड इसमें फिर बाद में मिल्क पाउडर भी ऐड करना है। हमें तकरीबन इसे 20 से 30 मिनट तक मलते रहना है, इसे एक सॉफ्ट डो की तरह ला लेना है। देख सकते हैं कि मैं कैसे डो को अच्छी तरह मल रहा हूँ। गाइज, हम इसमें थोड़ा मिल्क पाउडर ऐड कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा करके मिल्क पाउडर ऐड करते रहेंगे। हमें इसे अच्छी तरह मिला लेना है। सो गाइज, आप देख सकते हैं कि जो हमारा गुलाब जाम सूजी के गुलाब जाम का डो है वो अच्छी तरह हो गया है। देखिए अच्छी तरह इससे हो गया है और देखिए मेरे हाथ को भी चिपक रहा नहीं है। तो हम इसके अभी अच्छे से बॉल बना लेंगे, छोटे छोटे लंबे लंबे या गोल गोल बॉल बना लेंगे, जैसे आपको पसंद है वैसे बनाइएगा। सो गाइज, हमें ऐसे गोल गोल बॉल जैसा इसको शेप देना है। देखिए आपको जैसा करना है वैसा कर लीजिएगा, क्योंकि मैं लंबा भी करने वाला हूँ, मतलब जो लंबे गुलाब जामुन होते हैं उसी आकार के भी करना चाहता हूँ। आपके ऊपर है, आप जो शेप देंगे गुलाब जामुन को
उसके ऊपर है। देख लीजिएगा कि हमारा जो डो है वो कितना अच्छा बना है। सो गाइस, आप देख सकते हैं कि मैंने जो ये सूजी के गुलाब जामुन बनाए हैं, राउंड शेप में बनाए हैं, और कुछ है वो लंबे शेप में बना है, आप देख सकते हैं। और हमारा जो घी है, देसी घी, वो भी बॉईल हो रहा है, गरम हो रहा है। देखिए, अब मैंने इसे लो फ्लेम पे रखा है। अब हम इसमें गुलाब जामुन ऐड कर लेंगे और डीप फ्राई कर लेंगे। सो गाइस, आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें जो हमारे सूजी के गुलाब जामुन है वो ऐड कर लिए है, ऐड कर रहा हूँ। गाइज, आप देख सकते जी कि हमने जो लंबे लंबे गुलाब जामुन किए थे वो भी हो चुके हैं। अब हमें इसे इसे भी चाशनी में ऐड कर लेना है। और गाइज, आप जैसे कि देख सकते कि मैंने चाशनी में ऐड कर लिया है, तो मैं तो करीब करीब 2 से 3 घंटे रखूंगा, क्योंकि जो ये सूजी के गुलाब जामुन है वो अंदर का जो पूरा सिरप है वो अच्छे से पी ले, और फिर बाद में आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए तो एक पूरा ओवरनाइट भी रख सकते हैं। सो गाइज, हमारे जो गुलाब जामुन है वो बन चुके हैं। तो आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी, तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड डू नॉट फॉरगेट प्रेस अ बेल आइकॉन।